हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेल कम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करें एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है एस्टीमेशन कॉस्टिंग। एस्टीमेशन कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, या फिर अगर आप साइड जॉब करते हो या कोई भी आप ऑफिस जॉब करते हो तो वहाँ पर हम एस्टीमेशन कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। तो इस सब्जेक्ट को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम इसके सभी कंसेप्ट को अच्छे से देखेंगे, कैसे हम एस्टीमेशन करते हैं, कैसे फिर हम कॉस्ट निकालते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स का आपस में रिलेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक डेफिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उन डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए, उन वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम पूरा एस्टिमेशन कॉस्टिंग को पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम पूरे एस्टिमेशन कॉस्टिंग में यूज़ करेंगे, तो वही हम आज देखेंगे। तो आप मेरे चैनल पे जाके कुछ और वीडियोस देख सकते हैं, जैसे सर्वे से रिलेटेड या फिर FM से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं, उनको आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप मेरे दूसरे चैनल पे भी जरूर जाके देखें, जिस पे मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाली हुई हैं ट्रिप की, और भी आने वाले समय में मैं कुछ नई नई वीडियो लेके आऊँगा, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से, जिसका नाम है प्लिंथ एरिया। इसको हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको हम बार बार बोलेंगे प्लिंथ एरिया। तो आपको पता जाना चाहिए कि प्लिंथ एरिया हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए प्लिंथ लेवल क्या होता है। प्लिंथ लेवल आपको पता होना चाहिए, जैसे सपोज ये एक वॉल है और ये इसके नीचे फुटिंग है, तो ये इसकी फुटिंग है, तो जहाँ पे इसकी फाउंडेशन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इस लेवल को बोलता हूँ मैं प्लिंथ लेवल। तो ये जो मैंने डार्क किया हुआ है, ये होगा हमारा प्लिंथ लेवल। इसको भी हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, यानी कि प्लिंथ लेवल से जो नीचे का स्ट्रक्चर होगा उसको बोलूँगा मैं सब स्ट्रक्चर, और जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा, जितनी भी वॉल्स होंगी, हमारी रूफ होगी, वो होगा हमारा सुपर स्ट्रक्चर। ये भी आपको याद रखना है। तो प्लिंथ लेवल मैं इसको बोलता हूँ। अब बात करते हैं प्लिंथ एरिया की। तो प्लिंथ एरिया, जैसे कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग में हम प्लिंथ एरिया को काफ़ी यूज़ करते हैं, तो ये वो एरिया होता है, जैसे सपोज ये एक मेरे पास प्लॉट है और इस प्लॉट के अंदर ये एक मेरे पास, ये मैंने एक घर बनाया हुआ है इसके अंदर, तो प्लिंथ एरिया मेरा होगा इस घर का जो हमारा नीचे का जो एरिया है वो एरिया पूरा, और प्लस ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री जो वॉल दीवार बनी हुई है, ये इस दीवार का एरिया पूरी का, इस ये एरिया पूरा जहाँ पे घर बना हुआ है, और इसका ये दीवार का पूरा एरिया। मैं आपको इसके अंदर बता दूँ कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं पेन कॉपी लेके साथ साथ, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ बिल्डिंग प्लस एरिया ऑफ बाउंड्री वॉल, तो ये हमारा प्लिंथ एरिया होता है। और इसको, इसके अंदर हम कुछ कुछ एरिया है जो जिसको हम इंक्लूड नहीं करते, वो भी आपको याद रखना है, जैसे कि एरिया ऑफ कैंटिलेवर पोर्च। तो सपोज जैसे ये आपके घर के आगे ये पोर्च है, तो अगर तो ये पोर्च कैंटिलीवर है तो हम इसको जो प्लिंथ एरिया के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ये जैसे कि ये कैंटिलीवर नहीं है, अगर कॉलम्स के ऊपर ये खड़ा हुआ है, तो हम इसको प्लिंथ एरिया में कवर करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये कोई रूम है, ये घर है, और इसके सामने ये आपका जो है ये पोर्च, तो ये ऐसे कैंटिलीवर है, तो अगर तो ये ऐसे खड़ा हुआ है कैंटिलीवर, तो हम इसको प्लिंथ एरिया में नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ये ऐसे कॉलम्स के ऊपर खड़ा हुआ है, जैसे एक कॉलम यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, ऐसे अगर ये कॉलम के ऊपर खड़ा हुआ है, तो हम इसको किस में कंसीडर करेंगे, प्लिंथ एरिया में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट की, जो नेक्स्ट टर्म है वो आती है हमारी कारपेट एरिया। कारपेट एरिया की मैं बात करूं,
तो ये भी बहुत ही सिंपल है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कारपेट एरिया हम किसको बोलते हैं। तो ये एरिया हमारा हो गया, जैसे ये घर है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जितना भी यूजेबल जो एरिया होगा उसको बोलूँगा मैं कारपेट एरिया। यूजेबल या लिवेबल आप बोल सकते हो, जहाँ पे आप रहोगे, जैसे कि रूम एरिया, जितने भी रूम होंगे वो सब हमारा होगा कारपेट एरिया। तो इसकी अगर मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली देखूँ तो लेंथ एरिया माइनस, आपको इसमें से प्लिंथ एरिया में से माइनस क्या क्या करना पड़ेगा अगर आपको कारपेट एरिया निकालना है। स्टोर, जैसे आपके घर में कोई स्टोर है, यहाँ पे कोई स्टोर है तो ये भी आप माइनस कर दोगे प्लिंथ एरिया में से। कोई पेंट्री है, पेंट्री स्टोर एक ही बात होता है ऐसे तो, प्लस कोई लिफ्ट रूम है, कोई लिफ्ट लगी हो या घर के अंदर, उसका जो एरिया होगा वो भी हम माइनस कर देंगे। कोई अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें जो कैंटीन होगी उस कैंटीन को हम माइनस कर देंगे। अगर कोई घर है उसके अंदर किचन होगा उसको माइनस कर देंगे। तो और जो वरांडा होगा उसको भी माइनस कर देंगे। फिर हमारा आएगा कारपेट एरिया। कारपेट एरिया अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो वो एरिया जहाँ पे आप रहते हो, जैसे रूम्स होंगे जितने भी, वो सब हमारा कारपेट एरिया होगा। तो इसमें से जो माइनस करना है वो मैंने आपको बता दिया, प्लिंथ एरिया माइनस जो आपका स्टोर पेंट्री या फिर प्लस लिफ्ट रूम प्लस कैंटीन प्लस किचन प्लस वरांडा, तो ये आपका होगा कारपेट एरिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद मैं बात करूं थर्ड की, थर्ड है हमारा फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया की जब मैं बात करता हूं तो फ्लोर एरिया हमारा सिंपल है कि जो भी इन इस वॉल के अंदर का जितना भी एरिया है वो हमारा सारा होगा फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया कैसे, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं इसकी भी टेक्निकली, तो ये होगा प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल्स, उसको बोलता हूं मैं फ्लोर एरिया। यानी कि अगर मैं इस पूरे घर में से इन वॉल्स को, जितनी भी दीवारें हैं इसके अंदर, उनको माइनस कर दूं, जैसे एक दीवार ये बाहर वाली है, इसके अंदर भी कुछ रूम्स की दीवारें होंगी, उन सभी को माइनस करूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये फ्लोर, जो नीचे का फ्लोर, तो उसी को बोल रहा हूं मैं फ्लोर एरिया। इसको आप सिंपल बोल सकते हो टोटल एरिया बिटवीन वॉल्स। आप एक पेन कॉपी लेके इसको सबको नोट कर सकते हो, काफ़ी आपको हेल्प करेगी। इनको हम यूज़ भी करेंगे आने वाले टाइम में, हम आने वाली वीडियोस में बार बार आपको बोलूँगा फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया, तो आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया सेटबैक एरिया बोलता हूँ मैं, जैसे ये मेरा एक पूरा प्लॉट है, इसकी पूरी बाउंड्री वॉल इसकी ये हुई है, इसके अंदर ये मेरा घर है, तो ये जो जितना भी एरिया ये खाली पड़ा है इसको बोलता हूँ मैं सेटबैक एरिया। ये होता है हमारा सेटबैक एरिया। ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ बिल्डिंग पे, अगर बिल्डिंग की हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारा सेटबैक एरिया होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो बिल्डिंग के चारों तरफ का जो एरिया होगा इसको बोलता हूँ मैं सेटबैक एरिया, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया तो ये एरिया बोलता हूं मैं, जैसे कि जो मेरा वरांडा होगा उसका एरिया, कॉरिडोर हो गया उसका एरिया, जो मेरे बालकनी होगी उसका एरिया, या फिर मैं बात करूं एंट्रेंस हॉल हो गया, पोर्च हो गया, स्टेयर केसेज हो गए, यानी कि जहां से आप मूव करोगे एंटर करोगे उस एरिया को बोलूंगा मैं सर्कुलेट एरिया। तो सर्कुलेशन एरिया है, सर्कुलेट एरिया। तो जैसे कि आप इसको दोबारा देख सकते हो, एरिया ऑफ वरांडा, जैसे वरांडा है उसके अंदर का जो एरिया होगा, जो कॉरिडोर होगा मेरा उसका जो एरिया होगा, जो जो मेरे बालकनी होगी उस एरिया को भी मैं बोलूंगा सर्कुलेशन एरिया। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एरिया ऑफ वरांडा प्लस कॉरिडोर प्लस बालकनीज प्लस एंट्रेंस हॉल प्लस पोर्चेस प्लस स्टेयर,
जो भी इन सब को मिला के जितना एरिया मेरा होगा उसको बोलूंगा मैं सर्कुलेशन एरिया। इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एरिया ऑफ वेरेंडाज प्लस कॉरिडोर प्लस बालकनीज प्लस एंट्रेंस हॉल प्लस पोर्च प्लस स्टेयर केसेस, इन सब को बोलूंगा मैं जो मेरा सर्कुलेशन एरिया। अब इसमें एक और चीज जो इम्पोर्टेंट थी, जैसे कारपेट एरिया मैंने आपको बताया, अगर कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो उस इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जनरली 60 to 70% हमारा होता है प्लिंथ एरिया, सॉरी 60 to 70% ऑफ प्लिंथ एरिया जो हमारा, जो प्लिंथ का एरिया होगा उसका 60 to 70% हमारा कारपेट एरिया होगा, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे ही अगर मैं कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करूं तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या होगा, जो हमारा 50 to 60% ऑफ प्लिंथ एरिया जो हमारा होगा वो कारपेट एरिया होगा, यानी कि जो प्लिंथ एरिया होगा उस इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, तो उसका 50 से 60% एरिया को मैं कारपेट एरिया बोलूँगा। और ऐसे ही अगर मैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात करूँ उसके मैंने जैसे आपको बताया 60 to 70%, 60 to 70% जो प्लिंथ एरिया होगा उसका 60 से 70% जो एरिया होगा उसको बोलूँगा मैं कारपेट एरिया। तो आपको एक और बात जरूर याद रखनी है, ये आप नोट डाल के इसको लिख लो, कि जितने भी मैंने आपको ये एरिया बताए हैं ये मैंने सिर्फ एक फ्लोर की बात की है यहाँ पे, जैसे कि मैंने ग्राउंड फ्लोर की बात की है। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे देखूंगा तो कारपेट एरिया कुछ कम होगा या कुछ ज़्यादा, कम ही होगा, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं उससे ऊपर वाले फ्लोर पे देखूंगा तो कुछ और अलग होगा हमारा कारपेट एरिया। ऐसे ही अगर मैं फ्लोर एरिया की बात करूं तो ये मैंने जैसे ग्राउंड एरिया, ग्राउंड फ्लोर के बारे में आपको बताया, आप फर्स्ट फ्लोर पे देखोगे तो ये एरिया अलग होगा। तो हम इसको फ्लोर टू फ्लोर इसको अलग अलग मेजर करते हैं, ये आपको याद रखना है, इसको आप नोट डाल के लिख सकते हो। तो ये एक कुछ बेसिक टर्म्स थी जो मैंने आपको बताई, इसको हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग में यूज करेंगे। तो आप आने वाली वीडियोज को भी जरूर देखें, मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना चाहता था इसीलिए मैंने जो इन टर्म्स को पहले कवर किया है, क्योंकि इनको हम बार बार यूज़ करेंगे आगे। अगर मैं पहले ही कुछ और आपको बता देता तो शायद आपको ये टर्म्स फिर ना पता लगती, इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद मैं मेजरमेंट देखूंगा कि कैसे हम बिल्डिंग की मेजर करते हैं, कैसे उसको एस्टिमेट करते हैं, उसको कैसे उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। और यहाँ पे आप एक बात जरूरी जो है वो समझ लें, जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग, हम एस्टीमेट करेंगे पहले कि हमारी बिल्डिंग में कितना मटेरियल लगेगा, जैसे ये जो मेरा घर है इसके अंदर कितना मटेरियल लगेगा ये हम एस्टीमेट करेंगे, और जितना मटेरियल लगेगा उससे हमें पता लग जाएगा कि उस मटेरियल की कॉस्ट कितनी है मार्केट में, उससे हम पूरे उस जो घर की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हम आगे आने वाली वीडियो में इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, जितने भी मेथड्स हम इसको फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप एक बात और याद रखें, सिविल इंजीनियरिंग में जो हमारा टाइम और कॉस्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं बात करूँ टाइम एंड कॉस्ट की, आपका जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, यानी कि आप बोल सकते हो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, कि जितनी ज़्यादा आपकी, या आप उल्टा ही बोल सकते हो कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, कि जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी। अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, यानी कि मतलब अगर कॉस्ट बढ़ी है तो यानी कि वो किस कारण से बढ़ी है, अगर टाइम ज़्यादा बढ़ गया। अगर एक बिल्डिंग को 1 साल में पूरा करना था, अगर उसको 2 साल लग गए तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप इसमें आपको सब समझ आया होगा, अगर इसमें आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।